हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहां पर अनबॉक्स करने वाले हैं ये ग्राफिक कार्ड। सो गाइस, ये है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ZForce RTX 3050। तो ये ग्राफिक कार्ड मैंने अभी जस्ट लिया है नाजा से। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स एंड देखते हैं क्या सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो है ये हमारा बॉक्स है गीगाबाइट का। तो यहाँ पर जो है GeForce RTX की ब्रांडिंग दी हुई है, बाकी यहाँ पर प्राइस वगैरह का दिया हुआ है। एंड यहाँ पर अगर पीछे देखें तो यहाँ पर सारी जो है चीज़ें, डिटेल्स एंड सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें हैं वो दी हुई हैं। एंड यहाँ पर ये सील लगा हुआ है, तो अभी इसको हम लोग ओपन करेंगे एंड यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड निकालेंगे। कुछ नहीं है गाइस, बस एक ये जो है क्विक मैनुअल दिया हुआ है, क्विक गाइड है जिसमें कि सारी चीज़ें दी हुई हैं कैसे लगाना है क्या करना है। तो इसको साइड में रखेंगे, सारी चीज़ें हम जानते हैं ऑलरेडी। बाकी ये बॉक्स खाली है। तो गाइस यहाँ पर ये है हमारा ग्राफिक कार्ड, यहाँ पर भी जो है टेप लगा हुआ है। तो गाइस यहाँ पर ये है हमारा ग्राफिक कार्ड, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पर जो है गीगाबाइट की ब्रांडिंग दी हुई है, GeForce RTX लिखा हुआ है। पीछे भी देखें तो यहाँ पर बेस प्लेट दी हुई है ईगल गीगाबाइट GeForce RTX। एंड काफ़ी हैवी ग्राफिक कार्ड है ये गीगाबाइट का ये ईगल एडिशन है, जो कि थोड़ा सा हैवी होता है, इसमें हैवी फैंस लगे हुए होते हैं। इसका एक और वेरियंट आता है जिसमें कि छोटे फैंस होते हैं। एंड यहाँ पर ये जो है लगे हुए हैं सारे प्लास्टिक के होल्स। एंड इधर देखते हैं तो हमारा ये सारे कनेक्टर्स दिए हुए हैं। कनेक्टर्स देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले का है, ये HDMI है, ये HDMI है, ये एक HDMI है, ये डिस्प्ले HDMI, दो डिस्प्ले पोर्ट्स एंड दो HDMI पोर्ट्स दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पर बेस प्लेट भी दी हुई है जिसमें पूरी ब्रांडिंग दे रखी है। यहाँ पर ईगल की ब्रांडिंग है GeForce RTX। तो चलिए जल्दी से इसको लगाएंगे हम अपने सिस्टम में और देखेंगे कुछ परफॉर्मेंस, कुछ गेम चला के देखेंगे। तो गाइज यही है हमारा ग्राफिक कार्ड, इसको लगाएंगे हम सिस्टम में एंड चेक करेंगे कुछ गेम्स, कुछ सॉफ्टवेयर चला के देखेंगे क्या परफॉर्मेंस हमें ये दे रहा है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। बाकी इसकी जो है परफॉर्मेंस वीडियो मैं विद इन वन वीक एटलीस्ट यूज़ करूँगा सॉफ्टवेयर के साथ, गेम्स के साथ। फिर मैं आपको जो है दिखाऊंगा इसमें हमें क्या परफॉर्मेंस मिल रही है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप।